एमसीबी चीले में नगर पालिका मनेंद्रगढ़ द्वारा संचालित मुक्ति धाम में बना शेड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिस पर निगम प्रशासन का ध्यान नहीं होने से इसने स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है, जिन्हें अंतिम संस्कार के दौरान भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका का आमा खेरवा के मुक्ति धाम में बना शेड रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है, जहां सेट का सीमेंट अक्सर गिरता रहता है, जिसे कभी भी कोई हादसा होने की संभावना बनी रहती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने इसे नगर पालिका अधिकारी की घोर लापरवाही बताई है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को जल्द ही नया शेड बनवाना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान नाली और सड़क पर ही है। मैं भी पिछले बार भी कुछ दिन पहले हम गए थे मिट्टी में, काफी चर्चित थी मुक्ति धाम। आम जनता का कहना यह था कि जो शेड बना काफी पुराना हो चुका है और जर्जर अवस्था में आ चुका है। वहाँ का जो गिर रहा था, बगैर सीमेंट गिर रहा था नीचे और रात दिखने लगा है। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका का ये भाई संस्था में जुड़ा हुआ है मुक्ति धाम हमारा, ये नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मुक्ति धाम ऐसे जगह है कि कभी कभार लोग जाते हैं और इस शहर बहुत बड़ा शहर है, आए दिन कभी होते रहता है और क्या गरीब क्या अमीर सब जाते थे मुक्ति धाम में। तो हम लोग देखे सेट काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसमें नगर पालिका का ध्यान बिल्कुल नहीं है। इनका ध्यान जो नाली बना है और जो रोड बने उसको रोड पर रोड बनाओ, नाली बना हो तो तोड़ के नाली बनाओ, इसमें ज़्यादा ध्यान है। मैं नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहता हूँ उस मुक्ति धाम को तत्काल बनाएं। और ये मैं लगता है कि ये सीमन जी और अध्यक्ष जो हैं ये चाहते हैं कि उस छत ढलने का इंतजार कर रहे हैं, किसी की मौत का इंतजार कर, ऐसे लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हो चुका है ये सीमन अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वार्ड में जाएं, मुक्ति धाम में जाएं। वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी है, जाके देखना चाहिए जो कमियां हैं उस मुक्ति धाम में पूरा करना चाहिए, और जो काम नहीं होना चाहिए काम हो रहा, जो जरूरी काम हो काम नहीं हो पा रहा। और मुक्ति धाम काफ़ी जर्जर हो चुका है, और सो मैं ये बोलना चाहूँगा सीमो साहब से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, कि मुक्ति धाम को बनाएं और किसी का घटना होने का इंतजार न करें। कल क्षति यदि किसी पहुँचता है तो पूर्ण रूप से नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि सभी का फंड अलग अलग आता है, वार्ड का फंड, नाली का फंड, मुक्ति धाम का फंड मेरे द्वारा पूर्व में निरीक्षण किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन को भेजा गया है, फंड आते ही जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। हाँ, मुक्ति धाम की स्थिति तो ठीक नहीं है और बहुत ही जल्दी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है सूडा को, और आप तो जानते हैं हर जगह फंड की प्रॉब्लम रहती है, हर जगह अलग अलग फंड आता है, जैसे मुक्ति धाम का हुआ, वाटिका हुआ, सुधी पार्क हुआ, इस टाइप से। तो मुक्ति धाम का भी प्रपोजल हमारा गया हुआ है, जब से मैं जीत के आई जब से ही मैं वहाँ पर सर्वे करने के लिए भी गई थी देखने, जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में था उतना तो हमने नगर पालिका के द्वारा करवाया, परंतु अब उसमें थोड़ी फंड की प्रॉब्लम आ रही है और हम चाहते हैं कि मुक्ति धाम और अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, शेड बन जाए और भी शेड बन जाए, और मर्चुरी का जो है और जो वहाँ पे पीएम होता है वहाँ पे भी शेड नहीं है, तो अध्यक्ष जी से मैं पीएम का शेड बनवा रही हूँ, और बाकी जो यहाँ पे बैठने का शेड है उसकी भी व्यवस्था कर रही हूँ। हमारा एस्टिमेट गया है सूडा में अपने रायपुर में और जल्दी ही प्रस्ताव पास हो के आ जाएगा, तो हम उसमें जल्दी कार्य शुरू कर देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच मनेंद्रगढ़ के निवासियों को मुक्ति धाम की जर्जर व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाते हैं।